सो फ्रेंड्स, आज हम एक सा चैलेंज करने जा रहे हैं YouTube में, जो कि YouTube में आज तक मुझे नहीं लगता है कोई चैलेंज इस तरह से किया होगा। आज हम 24 आवर्स माँ के हाथों से खाने वाले हैं। जो भी करेंगे माँ के हाथों से खाएंगे। तो अभी चैलेंज स्टार्ट करते हैं, अभी से मुंह धो लेते हैं, उसके बाद चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस बारी में जो है ना पानी छिटाई करेंगे, इसमें गेहूँ रोपाई करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये जो माल आई है घर से गोबर, तो ये छिटाई हो रहा है, क्योंकि गोबर ऑर्गेनिक खाद की तरह से उपयोग किया जाता है हमारे झारखंड में। तो खाद से ज़्यादा गोबर उपयोग किया जाता है। तो देखो, पूरा बारी में गोबर ही गोबर, उसके बाद अभी पानी छींटेंगे, फिर सिंचाई करेंगे। तो चलिए माँ से बात करते हैं और बोलते हैं चैलेंज के बारे में कि कैसा है, क्या सक्सेस होगा या नहीं होगा। तो माँ जी, ऐसा चैलेंज करने जा रहे हैं यूट्यूब में, जो कि आज दिन भर, ठीक है, 24 घंटा हम आपके हाथों से खाना खाएंगे, मतलब आपको हम खटवाएंगे, सब काम करवाएंगे। तो क्या सक्सेस होगा कि नहीं होगा ये काम? हाँ, हो जाएगा। दिल से बोलना, काहे कि बहुत रिस्की वाला काम है, काहे कि बहुत मेहनत लगेगा। हाँ, हो जाएगा, कैसे नहीं होगा, हो जाएगा। तो हो जाएगा। तो पहले बड़ों का जो है, मेरे दादाजी है अभी यहाँ पे, तो उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि चैलेंज कम्प्लीट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो बोल दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए, और ठीक है, आप इतने कहने जाते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर ध्यान दीजिएगा। हम लोग बना रहे हैं, गरीब लोग हैं, ताकि मेरा बेटा को सब्सक्राइब करिए। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ जरूर सपोर्ट कीजिएगा। देखिए कितने धूप है, पसीना भी आ रहा है, फिर भी यार किसान लोग हैं तो काम करना पड़ेगा ना। थोड़ी घर में रह सकते, थोड़ी एसी में रह सकते हैं भाई, पसीना आएगा, धूप में जलेंगे, फिर भी काम करना पड़ेगा। हम काम नहीं करेंगे तो कौन काम करेगा। जो पाइप है 5 से 10 मिनट की डिस्टेंस को ही कवर कर सकता है, ठीक है, और जितना प्रेशर देगा उतना ज़्यादा कवर करेगा, ठीक है। यहाँ से तो कितना 5 मीटर 6 मीटर लगभग जाता होगा, लेकिन जितना प्रेशर रहेगा ना उतना ज़्यादा कवर करेगा। देखो भाई, कितना किसान लोग लगे हुए हैं गेहूं बुनने के लिए। देखो, सब अपने अपने बारे में वर्क स्टार्ट कर दिए हैं, और कुछ लोगों का होना भी वाला है। तो देखो, ये साइड जो है क्या बोलते हैं उसको, धान कटाई चल रहा है। देखो इस साइड धान कटाई चल रहा है, अब घर ले जाएगा ये सबको, धान तो हो गया है लगभग में। दादाजी को हमने बताया कि आज हम एक साथ चैलेंज करने वाले हैं, जो यूट्यूब में आज तक कोई नहीं किया है। तो दादाजी एक चैलेंज कर रहे हैं यूट्यूब में, जिससे कि आज जो है ना हम अपने हाथ से कुछ नहीं खाएंगे, सब मम्मी के हाथ से खाएंगे। मतलब अपने हाथ से आज कुछ नहीं करेंगे ना, खाएंगे भी तो मम्मी हाथ से। मतलब बचपन में छोटा थे तो अपने हाथ से कुछ नहीं कर पाते थे ना, तो वही फील लेना चाह रहे हैं आज। तो क्या सक्सेसफुल होगा? सक्सेसफुल होगा, बच्चा अब नहीं है। अच्छा, बच्चा नहीं है, कैसे होगा? तो जैसे कि सिर्फ खाने पीने के लिए, खाना पीने के लिए जैसे बच्चा नहीं है, अब कैसे आपका सूट करेगा? अच्छा, बच्चा नहीं है, सूट नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो फिर क्या करना चाहिए? तो बचपन जो रहता है उसी टाइम रहता है। अच्छा, वो बचपन गुजर गया, ख़त्म हो गया, और समस्या खराब होने बाद मम्मी अब कहाँ से खिलाएगा, कैसे खिलाएगा? अच्छा, ये बात है। तो लगता है प्लान कैंसिल करना पड़ेगा ना, तो सक्सेसफुल नहीं होगा ना, नहीं होगा। चलो फ्रेंड्स, बड़ों का बात मानना चाहिए, ये प्लान को कैंसिल करते हैं, कुछ नया चैलेंज लेते हैं। और कौन कौन सा चैलेंज चाहिए आप लोगों को, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। सो गाइस, लाइट अभी चली गई है। तो देखो, अब ये प्लॉट मेरा ही है, इसको छिटना बाकी है, हम ही छिट रहे थे, और पीछे वाला प्लॉट जो है वो छिटा गया। ये देखो भाई, पीछे कितना सारा गोबर रखा हुआ है। तो इसी तरह से किसान लोग काम करते हैं, और बहुत धूप हो रहा है यार, धूप में काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे दादा है, दादाजी हाय बोलिए मेरे ऑडियंस को। क्या हाय बोलिए? हाय हाय हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। क्या सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल करने के लिए? तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और कृषि के लिए देखिए कितना मेहनत करना होता है कृषि में। देखिए फ्रेंड्स, जो रोटी बना के आप लोग खाते हैं, उसको उगाने में कितना मेहनत लगता है, मेहनत करना होता है सरकार। तो क्या बोलना चाहेंगे मेरे देश के ऑडियंस को, एक किसान होकर कितना मेहनत करना होता है? और कुछ, और जैसे इतना मेहनत करने बाद खेती उपजाते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना मेहनत होता है तो उसके बाद खेती
होता है गेहूँ का, उसके बाद रोटी बनता है, मिल में जाता है। और कौन सा गेहूँ सबसे ज़्यादा उपजाऊ है? उपजाऊ यहाँ के लिए, देहात के लिए अभी यूपी 262 का गेहूँ ज़्यादा उपजाऊ लेता है। तो हमारे जो देश के किसान भाई लोग हैं, खाने में भी अच्छा लगता है, स्वादिष्ट है। अच्छा 262 ना, 262 यूपी 262 यूपी 262 गेहूँ तो है, एक नंबर है 50, एक नंबर है पंजाब वाला गेहूँ है, लेकिन खैर यहाँ इधर नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ के लिए प्रसिद्ध किया है यही यूपी 262। अच्छा यूपी 262 हम लोग देहात में चलता है ना। और कृषि करने में क्या लगता है, मतलब कौन सा लोग कर सकता है कृषि? कृषि करने में देखो ना कितना मेहनत लगता है, पूंजी लगता है, एक जो से पूंजी लगा के काम लगाना होता है, मतलब जैसे खेती लगाते हैं। हाँ, और इसमें 24 घंटा या 24 घंटा का ध्यान रहता है खेती करने में, तब खेती होता है। और गेहूँ एक बार बुनने के बाद कितना दिन में हो जाता है? गेहूँ बुनने के बाद में जो है सो हो जाता है 90 दिन हो जाता है गेहूँ। हाँ, और उसमें से मतलब जैसे कि इतना मेहनत करना होता है, पानी देना होता है, 4-5 पानी देना होता है, तब गेहूँ होता है एक नंबर। अच्छा 4-5 पानी देना होता है, 90 दिन लग जाता है ना, उतना दिन तक देखभाल करना, यानी 3 महीना। 3 महीने तब खेती होता है। तो फ्रेंड्स अभी देखो बहुत सारा धूप हो गया है बहुत ज़्यादा, फिर भी किसान लोग अपने अपने बारी में लगे हुए हैं। देखो उधर हल जुताई चल रहा है, उधर ट्रैक्टर से हल जुताई चल रहा है। फ्रेंड्स फिर से लाइट चली गई तो फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा, तो बैठते हैं थोड़ा देर, देखते हैं कब लाइट आती है। फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 9:21 और माल आ दिए घर से सेब, जो हम लोग का घर में छठ पूजा होता है तो वही सेब बचा हुआ था, तो सेब खाते हैं। सो फ्रेंड्स फिर से लाइट आ गई, और ये जो मोटर चला रहे हैं ना, बिजली का उपयोग जो हो रहा है ना, वो देखो घर से आ रहा है, ठीक है, वो घर में मीटर लगा हुआ है और उस घर से आ रहा है। देखो ये वायर दिख रहा है ना, देखो घर में गया है और घर से चला रहे हैं, घर से खींच के लाए हैं, तो बस इसी तरह से पटाते हैं, सब लोग इसी तरह से करता है। आना मन कर रहा है मूली, ठीक है, तो किसी का मूली पूछ सकते हैं। देखो यहाँ पे भी मूली है, इधर भी मूली है, तो पूछते हैं यार कोई अच्छा वाला मूली देख के, क्योंकि मूली सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है, तो खाना चाहिए, तो हमको 2 चाहिए, एक नहीं चलेगा, तो एक ये ले लेते हैं। चलो ले लिए, अब जा कर के इसको धोते हैं, अब खाते हैं मूली, लेकिन मूली खाने के बाद डकार आने लगता है, ठीक है। और हो सकता है कि मूली जो है सेहत के लिए तो अच्छा है, अच्छा ही है, तो खाते हैं मूली। और देखो लाइट जो है, लाइट है ठीक है, लेकिन पावर नहीं है, वोल्टेज नहीं है, तो देखो किस तरह से पानी दे रहा है, बहुत स्लो दे रहा है यार, इस तरह से थोड़ी पटेगा यार, बहुत लेट हो जाएगा। अभी टाइम हो रहा है 10:25 और अभी मैं आया हूँ घर, तो अब जाता हूँ खाना खाता हूँ। गांव में देखो 3 टाइम होता है, कलवा, बियारी, जलपान, ठीक है, तो अभी जा रहा हूँ जलपान करने के लिए। कलवा करेंगे 1 बजे तक और बियारी करेंगे रात को 7-8 बजे तक, ठीक है। जलपान खाने जा रहे फ्रेंड्स, आप लोग भी आइए खा लीजिए, देखिए क्या क्या है। चावल है, बासी चावल, दही है, इसमें दही डाले हैं, और प्लस में इधर से पापड़ है, इधर से मिर्च है, खाना मज़ा आता है यार। अभी आए हैं, अभी नहाएंगे, ठीक है, तो खाना खा लेते, बहुत जोर से भूख लगा यार, इतना सा भूख लगा है ना, बहुत टाइम हो गया ना। ये गिरगिट है, ठीक है, ये जल्दी किसी को काटता नहीं है, देखो इधर भग गया, भग गया, भग गया, भग गया, इधर घुस गया, भग गया यार, हमको खेलने में मज़ा आता है छिपकलियों से।